आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक व्हाई टू वाइंडिंग इन ए सीलिंग फैन, मतलब कि सीलिंग फैन के अंदर दो वाइंडिंग क्यों होती है। दोस्तों आज का यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो यह क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा बेसिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के नजर से। क्योंकि हम सभी को पता है जब भी इलेक्ट्रिकल मोटर की बात आती है तो उसमें सबसे ज्यादा जो मोटर उपयोग में ली जाती है वह हमारी सीलिंग फैन की मोटर उपयोग में ली जाती है। तो अब इससे ही जुड़ा एक सवाल यह आ जाता है कि आखिरकार सीलिंग फैन के अंदर हमारी दो वाइंडिंग क्यों की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पहली वाइंडिंग ये बाहर वाली हो गई और हमारी दूसरी वाइंडिंग ये हमारी अंदर की हो गई। तो आखिरकार ऐसा क्यों है, इसका क्या जवाब है, वही आज की इस वीडियो के हम जान लेंगे। तो बिना देरी करे छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का ये टॉपिक काफी ज्यादा सिंपल है, तो ये वीडियो भी छोटा बन सकता है। सबसे पहले जब भी हम हमारी सीलिंग फैन की वाइंडिंग की बात करते हैं तो आपको पहली चीज यह पता होनी चाहिए कि हमारी जो इसमें ये दो वाइंडिंग हो रही है ना, इसके अंदर से जो अंदर वाली जो वाइंडिंग होती है इसे हम मेन वाइंडिंग बोलते हैं। जो हमारा मेन काम होता है ये इस मेन वाइंडिंग का होता है, जबकि ये जो बाहर वाली वाइंडिंग होती है यह वाइंडिंग हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। और कई बार इस वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के नाम से भी बोलते हैं, और जो हमारी मेन वाइंडिंग होती है इस मेन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। अब दोस्तों जैसे आपको नाम पता चला कि इस बाहर वाली जो वाइंडिंग है इसका नाम है हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग और अंदर वाली का नाम है हमारा मेन वाइंडिंग, तो इसके नाम से ही हमें आधी चीजें पता चल जाती है। मेन से तो हमें पता चल गया कि मेन का मतलब है कि ये काफी मुख्य है, यही हमारी मोटर को यही हमारे फैन को चला रही है। लेकिन ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हमारी सहायक, मतलब कि ये जो बाहर वाली वाइंडिंग है ये हमारी मदद करने के लिए वाइंडिंग है, मतलब हमारी इस मोटर को चलने में मदद कर रही है। लेकिन मोटर को चलाने का मेन काम कौन कर रही है, हमारी अंदर वाली मेन वाइंडिंग। अब दोस्तों इतनी बातें करने से हमें एक बात तो यह क्लियर हो गई कि अंदर वाली हमारी मेन वाइंडिंग है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारी यही मेन वाइंडिंग है तो हम सिर्फ अंदर की ही वाइंडिंग कर लेते ना, हम बाहर की वाइंडिंग हटा देते हैं, सिर्फ अंदर की वाइंडिंग में हमारा फेस और न्यूट्रल सप्लाई देके, हमारी सिंगल फेस सप्लाई देके हमारी मोटर को चला लेते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते। तो दोस्तों इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको एक बात का यह ध्यान रखना है, हमारा से सीलिंग फैन ही नहीं, हमारी जितनी भी सिंगल फेस की इंडक्शन मोटर होती है सभी के अंदर हमारी दो वाइंडिंग होती है। मतलब कि ऐसी कोई भी मोटर नहीं आती जो हमारी सिंगल फेस की सप्लाई से चलती हो और उसके अंदर हमारी दो वाइंडिंग ना हो। हमारी सभी सिंगल फेस की मोटर के अंदर आपको दो वाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो अब हमारा सवाल फैन से हटके यही बन जाता है कि आखिरकार सभी सिंगल फेस की मोटर में दो वाइंडिंग क्यों है। तो दोस्तों इन सभी का जवाब बिल्कुल एक ही है, आपको सिर्फ एक बात यह पता होनी चाहिए कि जब हमने हमारे सीलिंग फैन या किसी भी मोटर में सिर्फ एक वाइंडिंग करी और इस वाइंडिंग के अंदर अगर हमने यहां से फेस और एक न्यूट्रल की सप्लाई दी, तो ऐसा करने के कारण हमारी जो मोटर के अंदर जो रोटर होता है, रोटर किसे बोलते हैं, रोटर उसे बोलते हैं जो हमारा घूमता है, हमारे सीलिंग फैन के अंदर जो चीज घूम रही है उसे रोटर बोलते हैं। तो अभी के केस में जब हमने हमारी इस मोटर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग करी, सिर्फ मेन ही वाइंडिंग करी और इसके अंदर फेस और न्यूट्रल दिया, तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों, हमारा जो ये रोटर होता है ना, इस रोटर के ऊपर हमारा बाई डायरेक्शनल टॉर्क लगता है। आखिरकार ये बाई डायरेक्शनल टॉर्क क्या है, तो टॉर्क का मतलब सिंपल सा होता है हमारा धक्का लगना, एक तरह का प्रेशर होता है। जैसे कि ये मेरा पेन है, इस पेन को यहाँ पे रखा हुआ है तो मैं इसको धक्का लगा रहा हूँ, इस पेन को मैं धक्का लगा रहा हूँ। इसी तरीके से हमारी जो वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग से हमारी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और वह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह हमारे रोटर को धक्का लगाने का काम करती है। मतलब टेक्निकल भाषा में हमारे रोटर के ऊपर टॉर्क लगाता है। लेकिन अभी जो ये हमारी मोटर के ऊपर टॉर्क लगेगा, यह टॉर्क होता है हमारा बाई डायरेक्शनल। तो आपको इस जवाब के अंदर सिर्फ यही वर्ड याद रखना है, बाई डायरेक्शनल टॉर्क। इस बाई डायरेक्शनल टॉर्क का मतलब होता है दोस्तों, तो हमारे जो ये रोटर है ना, इस रोटर के ऊपर जो धक्का लगेगा वो हमारा एक समय पे इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि हमारी जो मोटर होगी वो सीलिंग फैन को एक बार इस डायरेक्शन में घुमाना चाहिए, फिर कुछ समय के बाद में इस दूसरी डायरेक्शन में घुमाना चाहिए, मतलब कभी इधर धक्का लगेगी फिर इधर धक्का लगेगी, ऐसे ऐसे करके धक्का लगेगी। तो ऐसे धक्का लगने के कारण क्या होगा, हम सभी को पता है हमारी मोटर घूम ही नहीं पाएगी, रोटेट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह जो बाई डायरेक्शनल टॉर्क लगता है हमारी सिंगल फेज के अंदर, ये हमारी 50 हर्ट्ज की सप्लाई के अंदर 10 मिली सेकंड के अंदर हमारा बार बार लगता है, मतलब 10 मिली सेकंड के लिए इस डायरेक्शन में लगेगा, फिर वापस 10 मिली सेकंड के लिए इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ऐसे होने के कारण हमारी जो मोटर होती है वो सिर्फ एक ही जगह वाइब्रेट करती रहती है और हमारी मोटर घूम ही नहीं पाती। लेकिन इसके बाद में अब हमारा दूसरा सवाल आता है, फिर आखिरकार दो वाइंडिंग क्यों की जाती है। तो दोस्तों दो वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो ये एक वाइंडिंग पहले लग रही थी जिसे हम अंदर वाली मेन वाइंडिंग बोल रहे थे, इसी के साथ में हम एक और वाइंडिंग कर देते हैं जिसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, मतलब कि हम जिसे सहायक वाइंडिंग बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है वह होता है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग, क्योंकि हमारी मोटर को स्टार्ट करने का काम करती है। अब दोस्तों यह जो दूसरी वाइंडिंग होती है इसे लगाने से क्या होता है, तो आपको एक और चीज बतानी चाहिए, इस वाइंडिंग के साथ में हम एक सीरीज में कैपेसिटर को भी लगा देते हैं। आपने देखा है हमारी सीलिंग फैन में कैपेसिटर लगता है 2.5
2.5 माइक्रोफेरेड का इस तरीके से हम कैपेसिटर लगाते हैं, तो सिंगल फेज से तो हमारी मोटर घूम नहीं रही थी। तो अब हमने क्या किया, हमारी इस मोटर के अंदर एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा दी, एक और वाइंडिंग बाहर की साइड कर दी और उसके सीरीज में कैपेसिटर जोड़ दिया। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या हुआ, तो ऐसा करने से यह हुआ जब भी हमने इस मोटर पे हमारा फेज न्यूट्रल सिंगल फेज की सप्लाई दी, तो ऐसा करने के बाद में हमारी जो रोटर के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वह टॉर्क अब बाई डायरेक्शनल नहीं लग रहा, पहले बाई डायरेक्शनल लग रहा था जिसका मतलब होता है एक बार इस डायरेक्शन में फिर कुछ मिली सेकंड के बाद में दूसरी डायरेक्शन में, लेकिन अब दूसरे केस में हमारा जो टॉर्क जनरेट होगा वह हमारा यूनिडायरेक्शनल टॉर्क जनरेट होगा। मतलब सिंपल भाषा में हमारी मोटर को जो अब धक्का लगेगा, जो प्रेशर लगेगा वो एक समय पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगेगा। अगर हम मोटर को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं सिर्फ इस डायरेक्शन में लगेगा, अगर हम मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं तो सिर्फ दूसरी डायरेक्शन में हमारी मोटर पे टॉर्क लगेगा। दोस्तों आपको इंटरव्यू के अंदर सिर्फ इसी से रिलेटेड दो लाइनें बोलनी है, आपको क्या लाइन बोलनी है, तो आपको सिंपल सी पहली लाइन तो यही बोलनी है कि हमारे सीलिंग फैन नहीं, हमारी जितनी भी सिंगल फेज की मोटर होती है उन सभी के अंदर हम दो वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। अब ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि जब हमारे पास में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है और उस वाइंडिंग के अंदर हम उसे फेस और न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं, तो उसके कारण हमारी मोटर के रोटर पे बाई डायरेक्शनल टॉर्क लगता है, जिसके कारण हमारी मोटर घूमती नहीं है, सिर्फ वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करती रहती है। अब इसी चीज से बचने के लिए हम हमारी इस मोटर के अंदर एक और वाइंडिंग कर देते हैं जिसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग मतलब सहायक वाइंडिंग बोलते हैं, और इस वाइंडिंग के सीरीज में हम एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। और ऐसा करने के बाद में जब हमारी इस मोटर को हम फेस और न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं, तो ऐसा करने से हमारे रोटर के ऊपर जो टॉर्क इंड्यूस होता है, जो टॉर्क लगता है वह टॉर्क हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लगता है, जिसके कारण हमारी मोटर घूमने लग जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो से आप इन्हें देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।